सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में जो है वो चैप्टर 3 की एक्सरसाइज की थी, दैट इज गॉशियन एलिमिनेशन। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, चैप्टर 4, दैट इज मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता है आपके पास? मैथमेटिकल फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई रिलेशनशिप होता है, ठीक है, और उस रिलेशनशिप के अंदर हम जो है ये देखते हैं कि अगर हम कुछ इनपुट देंगे, ठीक है, तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। मैथमेटिकल फंक्शंस का मतलब क्या है कि एक रिलेशनशिप होगा आपके पास दो वेरिएबल्स के दरमियान, एक वेरिएबल जो होगा वो डिपेंडेंट होता है और दूसरा जो होगा वो इनडिपेंडेंट होगा। एक वेरिएबल जो होगा उसको हम एज अ इनपुट कंसीडर करते हैं, यानी हम उसको इनपुट करते हैं वैल्यूज इसके अंदर, ठीक है जी, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरी वैल्यू जो होगी आपके पास वो क्या बन जाएगी आपके पास, दूसरी वैल्यू जो है वो बन जाएगी आपके पास आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ये दो मेन चीजें हैं जो आप मैथमेटिकल फंक्शन में देखते हैं। नंबर वन इज डोमेन, ठीक है जी, आपको ये समझना होगा यहाँ पे व्हाट इज डोमेन। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, ठीक है जी, इनपुट टू द फंक्शन, जो भी हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे दैट विल बिकम द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और दूसरी मेन चीज होती है दैट इज द रेंज, रेंज का मतलब होती है आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। ये दो मेन चीजें हैं जो हमें जो है वो मैथमेटिकल फंक्शन के अंदर समझनी होती है। डोमेन का मतलब क्या होगा कि जो इनपुट होगा, ठीक है, और रेंज का मतलब होता है कि जो आउटपुट ऑफ द फंक्शन है। अब यहाँ जो हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है, जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 4.1 की, उसके अंदर तो उन्होंने पहले आपको थोड़ा सा फैमिलियर किया है किससे, फंक्शन से, और उस फंक्शन के अंदर जो है वो जो वैल्यूज आपको उसने मांगी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक की जो आपके पास फंक्शंस अवेलेबल हैं उसके अंदर उसने आपको जो है वो इनपुट दे दिया है, ठीक है जी। और वो इनपुट क्या है आपके पास, दैट इज उसने कहा आपको कि आपने डिटरमाइन करना है एफ जीरो, ठीक है, एफ माइनस टू, फंक्शन की वैल्यू माइनस टू, एंड फंक्शन की वैल्यू अगर ए प्लस बी हो जाए। ये जो आपके पास जीरो माइनस टू और ए प्लस बी है ये आपका कहलाएगा इनपुट टू द फंक्शन, और इसके अंदर आपको बता रहा है कि जो आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज हैं, ठीक है जी, उस फंक्शन की वैल्यू पे इसका इम्पेक्ट क्या है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। लेट सपोज हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपको बताता है क्या, दैट इज फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है जी। अब ये जो फंक्शन है इसको हमने तीन वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। जब हमने सबसे पहले वैल्यू निकालनी है f जीरो की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज पुट x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। जब हमने जीरो पुट किया तो इट विल बिकम f ऑफ जीरो, और ये हो जाएगा जीरो स्क्वायर माइनस 9। तो फंक्शन ऑफ x अगर उसमें हम जीरो पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, ठीक है। यानी इनपुट अगर हम जीरो करते हैं तो हमारी आउटपुट यहां बन जाएगी माइनस 9, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू के लिए क्या कहता है वो आपसे, अगर आप यहां पे x की वैल्यू को माइनस 2 पुट करें, तो माइनस 2 पुट करने में क्या हो जाएगा, इट विल बिकम f ऑफ माइनस 2, देन माइनस 2 स्क्वायर माइनस 9, एंड f ऑफ माइनस 2, फंक्शन ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर विल बिकम 4 माइनस 9, तो फंक्शन ऑफ माइनस 2 विल बिकम माइनस 5। यानी एक इनपुट 0 पे आउटपुट माइनस 9 है, ठीक है जी। एक इनपुट आपके पास जो है वो माइनस 2 थी, तो उसके ऊपर जो है वो आपका रिजल्ट यानी आउटपुट माइनस 5 आई, और
तीसरी ऑप्शन में वो कहता है पुट एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो फंक्शन ऑफ एक्स की जगह इट विल बिकम ए प्लस बी, तो एक्स की जगह आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर दैट इज -9, और अगर इसको मैं एक्सपेंड करके भी लिख देता हूँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -9। अगर आपके पास इनपुट जो है वो ए और बी की फॉर्म में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो नंबर तो है नहीं, तो आउटपुट जो होगा वो भी आपके पास ए और बी की फॉर्म में आएगा ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर आपको ये समझना होता है ठीक है जी, कि कुछ आपके ओपन फंक्शंस होते हैं। ओपन फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं ठीक है, जब आप कुछ भी इनपुट कर सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पे। कि अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -9, ये एक तरह से ओपन फंक्शन है, मैं इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगी ठीक है जी। तीन ऑप्शंस हमने यहाँ पे देख लिए, 0 भी पुट कर लिया, माइनस में भी पुट कर लिया वैल्यू, और अगर आपके पास नंबर्स में वैल्यू नहीं भी आ रही तो हमने वो भी रख के देख ली यहाँ पे कि वो वैल्यू क्या आ रही है ठीक है जी। तो अब यहाँ आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ये तीनों ऑप्शंस आपके बताते हैं कि यहाँ पे आपके पास कोई भी फंक्शंस अगर आ जाएं ठीक है जी, तो इसमें आपको कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी। कोई भी इनपुट कर रहे हैं वैल्यू, हम उसमें आउटपुट जब हमें मिल रही होगी तो इट इज नोन एज ओपन फंक्शन ठीक है जी। यानी ओपन फंक्शन वो होगा कि जिसमें हमारे पास कोई भी इनपुट हो तो उसमें हमें आउटपुट की वैल्यू मिलती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जो होते हैं वो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस होते हैं, और वो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस जो हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस जो होते हैं आपके वो ऐसे होते हैं कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज या एक से ज्यादा वैल्यू ऐसी होती है कि जो आपके फंक्शन में अगर एज अ इनपुट यूज की जाए तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा ठीक है। जब आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो फंक्शन जो है वो आपका रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन कहलाएगा सही है। और अभी हम आगे जो सवाल है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ओपन फंक्शंस कैसे होते हैं ठीक है जी, और आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस जो है वो कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक के जो सारे फंक्शंस हैं उसके अंदर आपने जो है वो तीन वैल्यूज जो है वो पुट करनी है ठीक है, और इन तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे, तीनों की वैल्यूज को पुट करेंगे आप तो आपके पास तीन इनपुट्स कहलाएंगी ये और तीन आउटपुट्स आएंगे। हर फंक्शन के अंदर आपको जो है वो इन तीनों वैल्यूज को जो है वो पुट करना होगा ठीक है जी। तो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क ठीक है, कि ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है कि आपने जो है वो बारी बारी जो है वो इन तीन वैल्यूज को जो है वो पुट करना है और इनपुट करके जो है वो उसका आंसर निकालना है ठीक है। तो इसकी सवालों की अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो वो सवालों की प्रैक्टिस करने से जो है वो आपके पास आसान हो जाएंगे। कि यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चंस हैं दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज 5x-10, तो इसमें आपको एक दफा 0 पुट करना है ठीक है, फिर एक दफा आपने इसके अंदर -2 पुट करना है, और एक दफा आपने इसके अंदर ए प्लस बी पुट करना है ठीक है। अब कोई भी फंक्शन है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है टी स्क्वायर प्लस टी -5, तो आपने उसमें भी यही काम करना होगा ठीक है, कि आपने पहले जो है वो टी की वैल्यू पुट करनी है 0, उससे एक रिजल्ट आ जाएगा, फिर टी की वैल्यू -2 पुट करनी है उससे एक रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आपने एक दफा टी की वैल्यू की जगह ए प्लस बी पुट कर आपने जो है उसके आंसर्स को कैलकुलेट करना होगा ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है जो ये आपके पास वैल्यूज हैं उसके अंदर भी जो है वो आपके पास क्या है कि जो फंक्शन की वैल्यू आपके साथ एफ के पास लिखी हुई है उस एफ के साथ वैल्यू पे ही आपने जो है वो वैल्यूज को इनपुट करना होता है ठीक है जी। अगर आपके पास एक से ज्यादा जो है वो अल्फाबेट्स आपको फंक्शन में नजर आ रहे हैं तो उसमें आपने उस वेरिएबल के अंदर जो है वो वैल्यू को पुट करना होगा जो आपके एफ के साथ लिखी हुई है
लाइक क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो उसके अंदर आपके पास क्या है, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। अब फंक्शन ऑफ एक्स है तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब जो हम इनपुट करेंगे वो एक्स की जगह पर पुट करेंगे, ठीक है। एम और बी एज इट इज रहेगा, एम और बी को हमें कुछ नहीं करना, हमें जो वैल्यू इनपुट करनी है वो एक्स की जगह पे करनी है। तो जो फंक्शन जिस वेरिएबल का होगा हमने उस वैल्यू को जो है वो एज अ इनपुट कंसीडर करना होगा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो सवाल है इस एक्सरसाइज के, दैट इज फ्रॉम 17 to 40, इसके अंदर जो है वो आपने डोमेन जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है जब हम डोमेन को आइडेंटिफाई करेंगे तो डोमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वो ये याद रखना होगा कि ये ओपन फंक्शन है या रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। अब अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल ही नहीं होता, ठीक है जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो है फिर आप कोई भी वैल्यू पुट करें उससे कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 40 तक के जो सवाल हैं इसमें हमें डोमेन आइडेंटिफाई करना है। तो डोमेन के लिए मैंने आपको बताया कि फंक्शंस की दो टाइप्स होती हैं, एक ओपन फंक्शन और एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन। ओपन फंक्शन का मतलब क्या होगा आपके पास कि आप उसमें कोई भी इनपुट दे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं बट कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि जिसको आप एज अ इनपुट कंसीडर नहीं कर सकते। जब हम उसको एज अ इनपुट कंसीडर नहीं कर सकते तो वहां हम जो है उसको कहते हैं दैट इज द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, ठीक है। तो अब रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास क्या है, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, ये दो मेन रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है जी। वो दो मेन रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन में स्क्वायर रूट आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि एज यू नो दैट के स्क्वायर रूट की वैल्यू माइनस में नहीं आ सकती, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जब माइनस में नहीं आ सकती तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन बन जाएगा, कि इसके अंदर जो भी वैल्यू हमें पुट करनी है उससे हमें आंसर जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा चाहिए, जीरो से कम वैल्यू जो है वो वहां पे इनपुट के फॉर्म में नहीं आ सकती, यानी वो इनपुट हम नहीं कर सकते कि जिससे हमारी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, एक चीज। दूसरी मेन चीज क्या है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस के अंदर कि आपका फ्रैक्शन में अगर फंक्शन आ जाए, कोई फंक्शन ऐसा हो कि जो फ्रैक्शन में आ रहा हो, तो जो फ्रैक्शन में फंक्शंस आते हैं उसके अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती, ठीक है जी। दो रिस्ट्रिक्शंस होती है फंक्शन के अंदर नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आपके पास दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास कि अगर आपका फंक्शन स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो वो माइनस नहीं हो सकता, और अगर वो फ्रैक्शन में आए तो उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अब डिनोमिनेटर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है बट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो इट विल बिकम इनफाइनाइट, ठीक हो गया। तो अगर हम यहां देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, वो वैल्यूज क्या आ रही हैं आपके पास, लेट सपोज के अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x-10। तो अगर हम यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन द डोमेन, अब डोमेन को डिटरमाइन करने के लिए हमने लिया क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x-10। अब ना इसमें स्क्वायर रूट है और ना इसमें फ्रैक्शन है, इट मींस दैट के यहां तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें आंसर मिल जाएगा, चाहे मैं प्लस में वैल्यू रखूं चाहे मैं माइनस में वैल्यू रखूं, जब भी मैं वैल्यूज की एक्स की पुट करूंगा तो इट विल बिकम इट विल जनरेट एनी आउटपुट। इनपुट में कुछ भी दे दूं, ठीक है, आउटपुट कुछ ना कुछ आएगी मेरे पास। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे, ठीक है, इसको तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, डोमेन को मैं लिख दूंगा आपके पास क्या, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है जी,
ऑल रियल नंबर्स मेरा इनपुट बन जाएंगे। मैं कोई भी वैल्यू रखूं, चाहे मैं फ्रैक्शन में रखूं, प्लस में रखूं, माइनस में रखूं, जो भी वैल्यू मैं इनपुट करूंगा यहाँ पे फंक्शन के अंदर, दैट विल बिकम दैट विल जनरेट द आउटपुट ऑफ द फंक्शन। तो इसका मतलब है मेरा डोमेन हो जाएगा आपके पास क्या, मेरा डोमेन हो जाएगा आपके पास ऑल रियल नंबर्स। अब हम सवाल देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। जब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट में। अब जब एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट में आएगा आपके पास तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा आपके पास कि अब मुझे यहां पता है कि इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी उससे रिजल्ट माइनस में नहीं आना चाहिए, यानी एक्स की वो वैल्यू जिससे आंसर माइनस में आ जाए वो मुझे यहाँ पे नहीं लेनी है। तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा वो वैल्यूज कौन सी हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा किसको, स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को, दैट इज एक्स प्लस 4, और एक्स प्लस 4 मुझे चाहिए क्या, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जो है हमारे पास वो क्या होगा आपके पास, यहाँ आएगा क्या, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 को जब हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ हम वैल्यू देंगे क्या, एक्स प्लस 4 एंड माइनस 4, जिस तरीके से हम सॉल्व करते थे इसको, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4। तो मैं यहाँ पे जब डोमेन इसका आइडेंटिफाई करूंगा तो डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, डोमेन इसका बन जाएगा आपके पास x such that x is greater than equals to minus 4, यानी वो तमाम वैल्यूज जो माइनस 4 और माइनस 4 से बड़ी हैं वो इस फंक्शन में आएंगी, माइनस 4 से छोटी वैल्यू यानी माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7 वो इस फंक्शन का इनपुट नहीं बन सकती। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जिस फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता है दैट विल बिकम, ठीक है, दैट विल बिकम द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। अब हमें रिस्ट्रिक्शंस हो गई ना यहाँ पे, हमारी रिस्ट्रिक्शंस क्या हो गई कि हम माइनस 4 से कम वैल्यू नहीं ले सकते, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे वो माइनस 4 या उससे बड़ी वाली वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, अब हमें देखना था यहाँ पे कि हमारा इनपुट क्या होगा। तो जब भी हमारे पास इनपुट को चेक करना है स्क्वायर रूट वाले फंक्शन के अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर की जो टर्म है मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ से मेरे आंसर को जीरो और उससे बड़ा जनरेट करेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और उससे मुझे रिजल्ट मिल गया कि हर एक्स की वैल्यू जो माइनस 4 और उससे बड़ी होगी वो हमारे आंसर को क्या करेगी, वो हमारे आंसर को पॉजिटिव रखेगी। ठीक है जी, या तो जीरो कर देगी या पॉजिटिव कर देगी। तो जीरो स्क्वायर रूट मीन जीरो, और फिर उसके बाद माइनस 4 के बाद जो भी वैल्यू आती है माइनस 4 से बड़ी वैल्यू यानी माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, ये तमाम वैल्यू जब इनपुट की जाएंगी तो इससे आपका जो है वो आउटपुट ऑफ द फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, बट माइनस 4 से कम वैल्यू जो है वो नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, और इसका डोमेन भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, ओपन नहीं है। फर्स्ट जैसे आपके पास फंक्शन था उसके अंदर हमने डोमेन लिया ऑल रियल नंबर्स, तो ये ओपन फंक्शन था। ओपन फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डोमेन के अंदर, बट यहाँ आपके पास क्या हो गई, ये एक रिस्ट्रिक्शन आ गई कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस 4 और उससे बड़ी होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, और उसका जो डोमेन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कहलाएगा। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी स्क्वायर रूट का डोमेन चेक करना होगा स्क्वायर रूट वाले फंक्शन का, तो इसके लिए हमें ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की इनइक्वालिटी को यूज करना पड़ता है। ठीक हो गया, अब फर्दर हम इसके अंदर देखेंगे कि अगर आपके पास फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में फंक्शन आता है तो उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर जो होगा आपका वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक हो गई बात, ये क्लियर।
अब यहाँ हम जो है वो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन की तरफ। ओके,